दोस्तों आईपीएल 2020 के खत्म होने के बाद आईपीएल 2021 बहुत ही जल्दी चालू होने वाला है और ऐसे में मिनी ऑक्शन की डेट भी बीसीसीआई ने फाइनल कर दी है जो कि है 11 फरवरी को। और ऐसे में बहुत सारी टीमें हैं जो दोस्तों की सईद मुस्तकिल ट्रॉफी, बीबीएल और भी बहुत सारी लीग से प्लेयर को ढूंढ रही है, अपनी टीम में लेना चाहती है मिनी ऑक्शन में। तो ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं दोस्तों जो सईद मुस्तकिल ट्रॉफी और बीबीएल से लेने वाले हैं आरसीबी की टीम, इस वीडियो में आपको मालूम पड़ जाएगा, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। पहले बात करते हैं दोस्तों आरसीबी के सईद मुस्तकिल ट्रॉफी से ढूंढे जाने वाले खिलाड़ी की, जो है दोस्तों मोहम्मद अजहरुद्दीन। ये खिलाड़ी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है वहाँ पर और इस खिलाड़ी के पीछे बहुत सारी टीमें जाना चाहेंगी। खास करके दोस्तों आरसीबी टीम इन्हें मिडिल ऑर्डर के तौर पर खिलाना चाहेगी क्योंकि दोस्तों और कहीं जगह नहीं बन पाती इनकी। आरसीबी की बैटिंग लाइनअप फिक्स रहती है, नंबर 5 पर इनको मौका मिलेगा और वहाँ पर अच्छा करेंगे आरसीबी के लिए। आरसीबी को ऐसा लगता है दोस्तों क्योंकि फिनिशिंग के तौर पर ये उनकी टीम में जा सकते हैं, एक मिडिल ऑर्डर के तौर पर भी जा सकते हैं, तो जरूर आरसीबी इनके ऊपर नजर बनाए रखिए और अपनी टीम में जरूर शामिल करना चाहेगी। तो आपका क्या मानना है दोस्तों, मोहम्मद अजहरुद्दीन जो कि ये खिलाड़ी 2 शतक मार चुका है सईद मुस्तकिल ट्रॉफी में, ये खिलाड़ी आरसीबी में जाना चाहिए या फिर नहीं, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बढ़ते हैं अगले खिलाड़ी की तरफ, वह दोस्तों बेन मैकडरमट। ये खिलाड़ी एक विकेट कीपर बैट्समैन और ये ओपन करता है हरिकेन्स की टीम के लिए बीबीएल में और ये बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है इस समय, तो इस वजह से आरसीबी को फायदा होगा। आरसीबी पहले से भी जोशुआ फिलिपी है लेकिन एक और विकेट कीपर बैट्समैन आ जाए वो भी विदेशी, तो आरसीबी के लिए अच्छा होगा दोस्तों। तो ये खिलाड़ी आरसीबी टीम में जा सकता है, जिस तरह की परफॉर्मेंस बीबीएल में कर रहे हैं एज ओपनर बन के हरिकेन्स की टीम के लिए, लंबे लंबे छक्के मार रहे हैं और बहुत सारे इन्होंने रिकॉर्ड भी बना रहे हैं दोस्तों, इस वजह से ये खिलाड़ी बहुत ही ज्यादा माना जा रहा है बीबीएल में और आईपीएल 2021 के मिनी ऑक्शन के लिए बहुत सारी टीम इनके पीछे जाना चाहेगी। जैसे कि दोस्तों मैथ्यू वेट के पीछे बहुत सारी टीम जाना चाहेगी, उसी तरह मैकडरमट के पीछे भी बहुत सारी टीमें जाएंगी, तो उसमें से दोस्तों आरसीबी भी इनके पीछे जा सकती है और पूरी तरह से चांसेस दोस्तों 100% चांसेस बन चुके हैं कि आरसीबी मैकडरमट के पीछे जाएगी। और बात करते हैं अगले खिलाड़ी की, जो है दोस्तों डैन क्रिश्चियन। ये एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है और ये 2017 में जो पुणे सुपर जायंट टीम थी उनकी प्लेइंग 11 का हिस्सा रहते थे हमेशा दोस्तों। ये खिलाड़ी पिछले कुछ सीजन से नहीं खेल पा रहा आईपीएल में, लेकिन इस साल आईपीएल 2021 के ऑक्शन में ये अपना नाम जरूर देंगे और किसी ना किसी टीम में जरूर चले जाएंगे। ये ऑलराउंडर के तौर पर आ सकते हैं आरसीबी की टीम में क्योंकि दोस्तों आरसीबी में ऑलराउंडर के तौर पर मोइन अली को निकाल दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों मोइन अली एक स्पिन ऑलराउंडर है, तभी भी दोस्तों डैन क्रिश्चियन उनकी रिप्लेसमेंट के लिए अच्छे होंगे क्योंकि वो बैटिंग भी अच्छी करा के देंगे आरसीबी टीम को फिनिशिंग में। और जिस तरह से इनका परफॉर्मेंस चल रहा है अभी बीबीएल के सीजन में, तब तो दोस्तों ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा पैसा खर्चा करने वाली टीम है डैन क्रिश्चियन के ऊपर, जिस तरह से परफॉर्मेंस कर रहे हैं ये बीबीएल में। आपको इसमें से कौन सा खिलाड़ी जो पसंद आया है जो कि आरसीबी में खेल सकता है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।